अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्याओ कंपनी की प्रेसिडेंट क्याउनिंग गायब थी, वो भी अपने शादी वाले दिन, और इधर क्याउनिंग को उसी के हस्बैंड झाओ ने पकड़ लिया था और उसका मर्डर कर देता है कि मैंने तुझसे तेरी क्याओ कंपनी के लिए शादी की थी, तेरे डैड मुझे कंपनी नहीं दे रहे इसलिए तुझे मरना होगा, और फिर उसके मोम डैड को भी मार देता है। क्याउनिंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है और वो रोने लगी थी कि मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्याउनिंग पानी में डूब रही थी, तभी एक लड़का आकर उसे पानी से बचा लेता है और कहता है तुम चलते चलते पानी में गिर गई। क्याउनिंग समझ आती है कि वो रिबॉर्न हुई है और उसे याद आता है ये तो वही लड़का है मिस्टर पी। शादी वाले दिन मिस्टर पी उसे बताने आया था कि झाओ तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा है, बट क्याउनिंग ने मिस्टर पी का यकीन नहीं किया था और वो उसके थप्पड़ मार देती है कि भले तुम झाओ के थर्ड अंकल हो पर इसका मतलब ये नहीं उसे कुछ भी कहोगे। तो वो सोचती है पिछली लाइफ में तुमने मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगी, और उसे आकर कहती है अंकल पी मुझे माफ कर दो, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो उसे दूर कर देता है तो कहती है नेक्स्ट मंथ मेरी झाओ से शादी है तो मुझे आकर ले जाना। वो कहता है मैं क्यों लेके जाऊं, तुम तो झाओ को लाइक करती हो ना। क्याउनिंग कहती है मैं अब झाओ को लाइक नहीं करती, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं तो मेरा ये कार्ड रख लो इसमें 80 मिलियन है, प्लीज जरूर आना, और बाय करके चली जाती है। मिस्टर पी कंफ्यूज था कि क्याउनिंग तो पहले उससे बहुत नफरत करती थी। तभी क्याउनिंग को झाओ का फोन आता है जो कहता है अपना अच्छे से ध्यान रखना हमारी नेक्स्ट मंथ शादी है। क्याउनिंग हाँ करती है पर सोचती है तूने जो मेरे साथ किया था मैं उसका बदला जरूर लूंगी, और कहती है शादी के दिन मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाली हूँ। पर हम ये भी देखते हैं कि झाओ का क्याउनिंग की कजन के साथ अफेयर है। क्याउनिंग के आते ही उसके मॉम डैड उसकी चिंता करने लगे थे कि हमने सुना तुम पानी में गिर गई थी, तुम ठीक तो हो ना। वो उन्हें तक रोने लगी थी और जल्दी से हग कर लेती है क्योंकि पिछली लाइफ में झाओ ने उसके मॉम डैड को भी मार दिया था, और कहती है इस बार मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। मॉम कहती है हम तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं तो ऐसे क्यों कर रही हो। डैड कहते हैं तो अपनी मॉम के साथ बहुत क्लिंजी हो गई है और तेरी तो शादी होने वाली है, झाओ क्या कहेगा। क्याउनिंग कहती है मुझे झाओ से शादी नहीं करनी, वो धोखेबाज है, उसका अफेयर है और उसने हमारी प्रॉपर्टी छीनने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। तो उसके मॉम डैड भी उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। फिर क्याउनिंग मिस्टर पी को मैसेज कर रही थी बट वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था, तो वो देखती है न्यूज में मैंगो कंपनी का सीईओ मिस्टर पी बार में अपने फ्रेंड्स के साथ है, तो वो वहां जाने लगती है। इधर हम देखते हैं मिस्टर पी को तो बार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो चुपचाप बैठा था, इनफैक्ट उसका असिस्टेंट फ्रेंड उसे वहां लेके आया था। तभी वहां क्याउनिंग आ जाती है तो बाकी लोग बातें बनाने लगे थे कि ये तो उस झाओ की फियांसे है ना जिससे मिस्टर पी बहुत नफरत करता है, अब तो ये लड़की यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी। बट मिस्टर पी कहता है अभी के अभी निकलो यहाँ से। वो लोग कहते हैं तुम्हें सुनाई नहीं दिया मिस्टर पी ने क्या कहा, क्याउनिंग निकलो यहाँ से। मिस्टर पी कहता है मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ निकलो यहाँ से, और वो चले जाते हैं। क्याउनिंग कहती है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे। वो कहता है मैं तुम्हारे मजाक को सीरियसली क्यों लूं, तुम पिछले 2 साल से झाओ को लाइक करती हो तो अचानक से मुझ में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो। क्याउनिंग कहती है क्योंकि मुझे उस झाओ से बदला लेना है इसलिए मुझे किसी की जरूरत है और वो सबसे सूटेबल कैंडिडेट हो तुम। मिस्टर पी कहता है ओके पर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं और कभी घाटे में बिजनेस नहीं करता। क्याउनिंग उसके क्लोज हो कहती है मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाती हूं कि तुम्हें बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होगा, आज एक ऑक्शन है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहां देख लेना। तो वो मान जाता है। क्याउनिंग अपनी मॉम के साथ ऑक्शन में आती है तो मॉम कहती है तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है ना तो आज अचानक से क्यों। वो कहती है क्योंकि डैडी सारी मेहनत करते हैं, अब से मैं भी उनके बिजनेस में हेल्प करूंगी, और फिर किसी को ढूंढने लगी थी। वहीं पे क्याउनिंग की कजन कुछ गर्ल से बातें कर रही थी कि क्याउनिंग चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले क्याओ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तो मुझे मिलेगी, क्योंकि जब क्याउनिंग की झाओ से शादी हो जाएगी तो क्याउनिंग की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पर तभी क्याउनिंग को देख कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, ये लड़कियां तो झूठ बोल रही हैं। पर क्याउनिंग उसके थप्पड़ मार देती है कि तू इनोसेंट बनने का नाटक करती है पर अंदर से है शैतान। कजन झाओ के पास जाती है क्या तुम सच में उस क्याउनिंग से शादी करने वाले हो, देखो उसने मुझे मारा। वो कहता है टेंशन मत लो
मैं जब उससे शादी करूंगा तो उसे सबक सिखा दूंगा। वो कहती ओके, पर मेरा बच्चा भी सैड हो रहा है। वो कहता ओके तो माफी मंगवा देता हूँ उससे। तो झाझो अगर क्यावनिंग से कहता है तुमने अभी अपनी कजन को मारा है तो चलो उससे माफी मांगो, पर वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं माफी क्यों मांगू, बट तुम दोनों ने हाथ क्यों पकड़ रखा है जैसे तुम दोनों का अफेयर हो। तो दोनों एकदम हाथ दूर कर लेते हैं, बट कजन रोने का नाटक करने लगी थी और झाओ के कहने पे उसका थप्पड़ मारने वाली थी तो क्या उसका हाथ पकड़ लेती है। इनफैक्ट पास्ट लाइफ में शादी के बाद भी झाओ का उसकी कजन के साथ अफेयर चल रहा था। वो कहती है मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और अगर क्यावनिंग भी प्रेग्नेंट हो गई तो झाओ कहता है मैं उसे प्रेग्नेंट होने ही नहीं दूंगा, उसे हर बार मेडिसिन खिलाकर उसका बच्चा मार दिया करूंगा। क्यावनिंग ने ये सब सुन लिया था इसलिए झाओ पकड़ के उसे जान से मार देता है। तो वो गुस्से से कहती है आज तुम मुझे इससे बिटवा रहे हो, कल को ये प्रॉपर्टी मांगेगी तो क्या मुझे जान से मार के प्रॉपर्टी भी छीन लोगे। वो गुस्से में आकर उसके थप्पड़ मारने वाला था तभी मिस्टर पी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। झाओ कहता है थर्ड अंकल तुम्हें क्या हो रहा है, ये मेरी फैंसी है मैं जो मर्जी करूं। मिस्टर पी कहता है हमारी फैमिली में लड़कियों पे हाथ उठाना नहीं सिखाया गया तो तुम अपनी तमीज में रहो। कजन बीच में बोलने लगी थी तो कहता है तुम तो चुप रहो समझी। तो झाओ अंकल से माफी मांग लेता है। क्यावनिंग मिस्टर पी के क्लोज आती है तो वो कहता है अगर झाओ ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो। कहती है अगर देख भी लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्शन में एक 30 मिलियन रिंग की बिड लग रही थी, सब लोग उसकी बिड लगाते हैं, कोई 35 मिलियन कोई 36 मिलियन, पर क्यावनिंग डायरेक्ट 50 मिलियन की बोली लगाती है तो सब हैरान थे कि ये इतनी महंगी रिंग क्यों खरीद रही है। अच्छा इसकी शादी होने वाली है ना, जरूर ये अपने ग्रूम को गिफ्ट देगी। झाओ खुश हो रहा था कि उसे रिंग मिलेगी। क्यावनिंग वो बिट छीन जाती है जब वो उसे रिंग देने लगे थे तो झाओ कहता है मैं तुमसे गुस्सा था इसलिए तुम मनाने के लिए मुझे ये एक्सपेंसिव रिंग दे रही हो, मुझे पसंद आया और लेने लगा था। पर क्यावनिंग पहले वो रिंग उठा लेती है और सबके सामने वो रिंग मिस्टर पी को दे देती है। झाओ कहता है तुम इतनी महंगी रिंग उस थर्ड अंकल को ऐसे दे सकती हो। वो कहती है फिर क्या हो गया, उन्होंने मेरी हेल्प की थी इसलिए मैंने वो रिंग दे दी। वो गुस्से से कहता है तुम्हें पता है ना मैं उससे नफरत करता हूँ। क्यावनिंग कहती है तुम उस पर गुस्सा दिखा रहे हो। कहता है सॉरी सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। तो वो चली जाती है। घर आते असिस्टेंट उसे हेलो करता है बट वो उसे इग्नोर करके सीधा मिस्टर पी के पास तुम यहाँ पे। तो वो कहता है मैं तुम्हारी रिंग वापस करने आया हूँ। वो कहती है क्यों तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और उसके क्लोजर कहती है अब तो मैंने प्रूफ भी कर दिया। असिस्टेंट खास रहा था तो वो उसे दूर कर देता है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, इनफैक्ट मिस्टर पी ने क्यावनिंग को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया था। पर कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो कहती है झूठ मत बोलो इस पे मेरा नाम लिखा है। वो कहती है तुम काफी टफ गाय हो पर कोई बात नहीं मुझे तुम ऐसी पसंद हो, मेरी वेडिंग डे के दिन जरूर आना। वो स्माइल कर रहा था तो असिस्टेंट कहता है बॉस तुम ब्लश कर रहे हो ना। ही वाज लाइक तू बहुत बोलता है। क्यावनिंग जैसी घर आती है उसके मॉम डैड कहते हैं तू उस मिस्टर पी के साथ इतना क्यों घूम रही थी, तुझे पता नहीं है वो बहुत कोल्ड और रूथलेस सीईओ है। क्यावनिंग कहती है फिर क्या हो गया। देखो मॉम डैड आपके फ्यूचर सन इन लॉ ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है। इधर छाओ गुस्सा हो रहा था कि क्यावनिंग ने सबके सामने उसकी बजाय मिस्टर पी को रिंग दे दी। कजन कहती है टेंशन मत लो शादी के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों की हो जाएगी, फिर उससे गिन गिन के बता लेंगे। इधर कजन ग्रैंडपा को चढ़ा देती है क्यावनिंग के खिलाफ। तो ग्रैंडपा क्यावनिंग को बुलाते हैं और उसे डांटने लगे थे कि तूने कजन को थप्पड़ मारा सबके सामने और तो और वो रिंग अपने फियांसे के बजाय किसी और को दे दी और उसके कप फेंक के मारते हैं तो मॉम उसे बचा लेती हैं। पर क्यावनिंग को पहले से पता है कि उसके ग्रैंडपा एक नंबर के बिगड़े हुए हैं और कहती है तुम गैम्बलिंग करते हो, अगर मैंने पुलिस को बता दी ना तो इस उम्र में जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। कजन कहती है तेरी इतनी हिम्मत ग्रैंडपा से ऐसे बात करेगी, और उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट क्यावनिंग उसकी मार देती है। तभी उसे मिस्टर पी का फोन आता है और वो उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तो कहती है क्या हुआ तुम मुझे मिस कर रहे थे। वो कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें सजा दी थी। क्यावनिंग कहती है क्यों तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, ग्रैंडपा ने मुझे बहुत मारा देखो मेरे हाथ भी रेड हो गए। उसका हाथ पकड़ कहता है तुम्हें उन लोगों से केयरफुल रहना चाहिए। पर उन दोनों को साथ में देख कजन उनकी फोटो खींच लेती है और झाओ को सेंड कर देती है तो वो गुस्से से चिढ़ रहा था। झाओ के डैड कहते हैं कुछ भी हो जाए तुम्हें वैंग प्रोजेक्ट लेके रहना है। तो झाओ मिस्टर वैंग से इस बारे में बात करने चाहता है बट मिस्टर वैंग उसे प्रोजेक्ट देने से मना कर देते हैं क्योंकि झाओ को बिजनेस के बारे में घंटा कुछ पता नहीं। तो झाओ कहता है मुझे पता है तुम्हारी एक बेटी भी है जो मेरे कब्जे में है, अगर उसे बचाना है तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मुझे देने पड़ेगा। इधर क्यावनिंग को पास्ट लाइफ की वजह से फ्यूचर का पहले से पता था इसलिए वो अपने डैड से कहती है
डैड आपके पास बहुत पावर है ना, तो प्लीज मिस्टर वैंग की बेटी के बारे में पता कीजिए, वो कहाँ पे है। तो डैड उसे बताते हैं कि उसे यानचिंग में किसी ने देखा था। क्या उन्हें यानचिंग जाती है? वहाँ वो एक आदमी से उस बच्ची के बारे में पूछती है कि मैं उसकी बहन हूँ। वो आदमी उसे उस लड़की के पास ले जाने लगा था, पर पीछे से उसे डंडा मार के बेहोश कर देता है। इधर मिस्टर पी मीटिंग में था, असिस्टेंट बार बार उसे झांक-झांक के देख रहा था, तो मिस्टर पी बाहर आकर पूछता है, बताओ क्या हुआ? तो बताता है कि क्या उन्हें खतरे में है, यानचिन में किसी ने उसे किडनैप कर लिया। मिस्टर पी कहता है, जल्दी से मेरी कार निकालो। वो कहता है, पर आपकी मीटिंग? देन ही वाज लाइक, सब कैंसिल कर दो। क्याउनिंग की आईज खुलती है तो वो बंधी हुई थी, और वहीं पर गुंडे ने वैंग की बेटी को भी बांध रखा था। गुंडा कहता है, तुझे इस लड़की के बारे में कैसे पता चला? क्याउनिंग कहती है, मुझे तो सब कुछ पता है, तेरा नाम और तेरे बॉस का नाम भी। बता तुझे कितने पैसे चाहिए? झाओ ने तुझे जो पैसे दिए हैं मैं उसके डबल दूंगी। बट गुंडा कहता है, मेरा पागल मत बना, और उसे मारने वाला था। बट सीन कट। इधर मिस्टर पी भी अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच गया था, पर हम देखते हैं क्याउनिंग तो उस गुंडे को ही धो रही है, और वो उसे मारने वाली थी। तभी मिस्टर पी आ जाता है, बॉडीगार्ड्स गुंडे को पकड़ लेते हैं। क्याउनिंग कहती है, अंकल तुम आ गए, ये मुझे मारने वाला था, शुक्र है मैं अपने साथ नाइफ लेके आई थी। तुम इतनी लेट कैसे हो गए, पता मैं कितनी डर गई थी। गुंडा कहता है, ये झूठ बोल रही है, ये बहुत बुरी है, इसने मुझे बहुत मारा। पर वो घूर रही थी तो चुप हो जाता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत खतरनाक है, मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। तभी गुंडे को झाओ का फोन आता है, तो क्या गुंडे से कहती है, फोन उठाकर झाओ को ये बोल कि वो छोटी बच्ची अभी भी तेरे कब्जे में है। तो गुंडा डर के मारे ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे सब कुछ ठीक हो। झाओ कहता है, काम होते उस छोटी बच्ची का काम तमाम कर देना। क्या उन्हें कहती है, देखा मैंने कैसे झाओ का प्लान फेल कर दिया। बट मिस्टर पी उसे उठाकर ले जाने लगा था। कहती है, अंकल मुझे नीचे उतारो। बट वो उसे उठाकर उसके घर पे ले आया था, तो वो अपने मॉम डैड को हेलो करती है। बट वो फिर भी उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। कहती है, अरे वाह तुम्हें तो मेरे बेडरूम का भी पता है। मिस्टर पी कहता है, तुम अब से घर पे रहोगी और कोई डेंजरस काम नहीं करोगी। वो कहती है, ओके अब हमारी शादी होने वाली है तो मेरे पेरेंट्स से भी मिल लो। वो कहता है, मैंने शादी के लिए कब हाँ किया, और जाने लगा था, पर वो उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेती है और उसे क्लोज कर किस करने लगी थी। क्या उन्हें कहती है, मैंने तो सुना था तुम बहुत कोल्ड और रूथलेस हो, पर किस करते टाइम इतने सॉफ्ट हो गए। उसके मॉम डैड झांक रहे थे गेट खुलने से अंदर आ जाते हैं। कहते हैं, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि तुम डिनर के लिए हीरो कर रहे हो ना। कहता है, सॉरी मैं अभी कोई गिफ्ट नहीं लेके आया, तो किसी और दिन आऊंगा, और चला जाता है। मॉम कहती है, मैंने तो सुना था ये बहुत खड़ूस है, पर ये तो कितना समझदार है, ऐसा कैसे हो गया। क्या उन्हें कहती है, क्योंकि आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। मिस्टर वैंग क्याओ फैमिली का थैंक यू करते हैं और कहते हैं, आपने मेरी बेटी को बचाया है, और बताते हैं कि झाओ ने मुझसे वैंग प्रोजेक्ट छीनने के लिए मेरी बेटी को किडनैप किया था और ब्लैकमेल कर रहा था, पर आपने मेरी बेटी को बचाया है तो मैं वैंग प्रोजेक्ट आपको देने के लिए रेडी हूँ। पर डैड कहते हैं, वैंग प्रोजेक्ट का हमारी कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। क्या उन्हें कहती है, मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, पर मैं चाहती हूँ आप ये प्रोजेक्ट किसी और को दें, थर्ड अंकल मिस्टर पी को। तो वो हाँ कर देते हैं। मिस्टर बी क्याउनिंग के साथ था और कहता है, मैं क्या तुम्हारा हैंगर हूँ जो अपना पर्स मेरे ऊपर टांग रखा है। वो कहती है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वो कहता है, ओके ओके, और फिर उसे ले जाने लगा था। बट रियल में क्याउनिंग ने उसे मिस्टर वैंग से मिलने के लिए बुलाया था। मिस्टर वैंग उसे वैंग प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बी को दे देते हैं। वो खुश होता है, तो मिस्टर वैंग बताते हैं कि आपको क्याउनिंग का थैंक यू करना चाहिए, उसी की वजह से आपको ये मिला है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर पी कहता है, तुमने बिलियंस का प्रोजेक्ट मुझे दिलवाया। वो कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर ये फ्री में नहीं है, तुम्हें मेरे लिए श्रिम्प पील करने होंगे। तो वो उसके लिए श्रिम्प पील करने लगा था, और क्याउनिंग खुश होकर उसे देख रही थी। तभी झाओ आकर कहता है, तुम यहाँ दूसरे लड़के के साथ खा रही हो। कहती है, हाँ मैं बिजनेस के बारे में डिस्कस करने आई थी, पर तुम भी तो यहाँ इस कजन के साथ आए हो, वो भी हाथ में हाथ डाल के। तो झाओ उससे हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, देखो कजन, मुझे क्याउनिंग पे बुरा भरोसा है, तुम हमारे बीच में मत आओ। तो वो गुस्से से भाग जाती है। बातों बातों में क्याउनिंग बोल देती है कि वो वैंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी। तो झाओ कहता है, वैंग प्रोजेक्ट तो सिर्फ मुझे मिलेगा, देख लेना मिस्टर पी को तो मैं ऐसे हरा दूंगा। क्याउनिंग कहती है, अच्छा देख लेंगे। मिस्टर पी उसे श्रिम्प पील करके देता है, वो खाने लगी थी। बट झाओ श्रिम्प पलट देता है और कहता है, मैं तुम्हें दूसरे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, और उसे लॉबस्टर खाने ले आया था। तो कहता है, वो मिस्टर पी की बातों पे ध्यान मत देना, वो एक नंबर का छूटा है। क्याउनिंग कहती है, पर मिस्टर पी तो बोल रहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, यानी तुम अच्छे इंसान नहीं हो। और चली जाती है।
वो गुस्से में था और कहता है, कोई बात नहीं, ये वैंग प्रोजेक्ट मैं जीत जाऊंगा, तो मिस्टर भी मेरे सामने कुछ नहीं है। फिर वो नेक्स्ट डे क्याओ के साथ वैंग प्रोजेक्ट की बिड में आता है और उन लोगों से बताता है कि ये बिड तो ऐसी फॉर्मेलिटी है, रियल में तो मिस्टर वैंग ने पहली वैंग प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है। एक आदमी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है शादी के लिए, तो क्या उन्हें कहती है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मेरी और छाओ की अभी शादी नहीं हुई है। तभी वहाँ पर मिस्टर पी आता है तो उसे हेलो करती है। जाओ कहता है, तुम यहाँ क्या मुझसे प्रोजेक्ट के लिए फाइट करने आए हो? मिस्टर पी कहता है, जो चीज तुझे पसंद है तू उसके लिए फाइट कर सकता है, तो जो मुझे पसंद है मैं भी उसके लिए फाइट कर सकता हूँ। और क्या उन्हीं की तरफ देख रहा था। इतने में वहाँ पर बिट स्टार्ट होती है, मिस्टर वैंग आ गए थे। तो जाओ कहता है, मिस्टर वैंग जल्दी बताओ प्रोजेक्ट किसे मिलेगा, सुना है आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है तो उसके साथ सेलिब्रेट भी तो करना है। मिस्टर वैंग कहता है, ऑफ कोर्स, घर जाके मैं खुशी से अपनी बेटी के साथ बर्थडे मनाऊंगा। क्या उन्हें मिस्टर पी से कहती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो बोल नहीं रहा था तो उसे पकड़ने लग जाती है, क्या तुम गुस्सा हो कि मैं झाओ के साथ दूसरे रेस्टोरेंट में चली गई थी? तो वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि झाओ हमें साथ देख लेगा? मिस्टर वैंग बताने लगा था तो झाओ पहले खड़ा हो जाता है, पर मिस्टर वैंग कहता है, ये 300 मिलियन का प्रोजेक्ट चाहता है मिस्टर पी को। तो झाओ के तो होश उड़ गए थे और गुस्से से चला जाता है। बाकी सब लोग मिस्टर पी के लिए क्लैप कर रहे थे। झाओ गुस्से से जाके मिस्टर वैंग को पकड़ लेता है, तुझे अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं है क्या? मिस्टर वैंग कहता है, क्या बकवास कर रहा है, मेरी बेटी मेरे घर पे है। झाओ किसी को फोन करता है तो बताता है कि हमारा प्लान तो फेल हो गया और इसका तुम्हारी फियांसे से लेना देना है। वो कहता है, फियांसे? तभी क्याउनिंग आके कहती है, तुमने मुझे बुलाया, तुम किससे बात कर रहे थे? वो कहता है, कुछ नहीं, फ्रेंड से। क्याउनिंग कहती है, सैड मत हो, एक प्रोजेक्ट ही तो था, कोई बात नहीं, अगला मिल जाएगा तुम्हें। वो पूछता है, तुम कल क्या कर रही थी? वो कहती है, मैंने तो कल पूरा दिन लवली एक्सप्लेन 2 के ड्रामास देखे थे। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है, बस ऐसे ही, क्या तुम कल यंचन गई थी? क्याउनिंग कहती है, नहीं तो। क्या तुम ही यंचन गए थे? तुम्हारे पास फोटोज है, मुझे दिखाओ ना। और इनोसेंट बनने का नाटक कर रही थी जिससे झाओ को शक ना हो। पर जैसे वो उसे घर छोड़ के जाता है, मिस्टर भी क्याउनिंग को पकड़ के अपने बाहों में खींच लेता है। वो कहती है, देखो तो सही कैसे कर रहे हो, सबको लगेगा कि हमारा अफेयर चल रहा है। मिस्टर पी गुस्से में था तो कहती है, क्या हुआ, तुम जेलस हो गए? मिस्टर पी कहता है, मुझे समझ में नहीं आता, कभी तुम मेरे साथ और कभी छाओ के साथ, तुम करना क्या चाहती हो? वो कहती है, मैं उस छाओ को सबक सिखाना चाहती हूँ और फिर शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगी। मिस्टर पी कहता, ओके, अभी जाके शादी कर लेते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। क्या उन्हें कहती है, अभी नहीं, हमें वेट करना होगा, मेरा विश्वास करो, जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा हम शांति से शादी करेंगे। मैं उस छाओ से बहुत नफरत करता हूँ तो उससे दूर ही रहना। वो कहती है, हाँ हाँ। तो वो उसे पेपर देता है और बताता है कि तुमने मुझे प्रोजेक्ट दिलवाया है तो ये रहे तुम्हारे लिए गिफ्ट। क्या उन्हें कहती है, अच्छा मुझे इतना लाइक करते हो, 10 विलास और 20 बिल्डिंग्स मुझे गिफ्ट दे रहे हो। कहता है, तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस कर दो। क्या उन्हें कहती है, किससे मना करा, मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं वापस करूंगी। तो वो कहता है, ओके जाकर रेस्ट करो, गुड नाइट। तो क्या उन्हें प्यार से उसके चिक्स पे किस करके और गुड नाइट अंकल बोल के भाग गई थी। देखो वैसे तो मिस्टर भी बहुत सख्त लौंडा है, पर यहाँ वो पिघल गया और असिस्टेंट को फोन कर कहता है, अभी कभी झाओ के पीछे एक आदमी लगा दो, मैं नहीं चाहता वो क्याउनिंग को परेशान करे। झाओ जैसे घर आता है उसके डैड उसको थप्पड़ मारते हैं, पर मॉम कहती है, इसमें इसकी क्या गलती, गलती उस मिस्टर पी की है, वो है ही इतना इंटेलिजेंट। डैड कहते हैं, तुझे प्रोजेक्ट तो खो ही दिया, पर तेरा क्याउनिंग के साथ रिलेशनशिप तो ठीक है ना? वो कहता है, कुछ दिनों से क्याउनिंग और मिस्टर पी काफी मिल रहे हैं। तो डैड उसे फिर से थप्पड़ लगा डालते हैं कि तू एक लड़की को नहीं संभाल पाया। मॉम कहती है, इसमें मेरे बेटे की नहीं क्याउनिंग की गलती है, झाओ उसे जाने मत देना। झाओ गुस्से से किसी को फोन करता है कि मुझे अभी के अभी सबसे तेज नशे वाली दवाई चाहिए, और फिर क्याउनिंग को फोन करता है। वो फोन उठाती है तो उससे प्यार से बात कर रहा था, कल तुम फ्री हो, हम डेट पर चलेंगे। क्याउनिंग हाँ कर देती है तो वो खुश हो रहा था, पर फिर क्याउनिंग मिस्टर पी को फोन कर पूछती है, तुम कहाँ पे हो? वो बताता है, बार में, पर वहाँ एक लड़की की आवाज़ सुन क्याउनिंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी लड़कियों के साथ, अभी कभी मुझे एड्रेस भेजो, और गुस्से से फोन काट देती है। मिस्टर पी हैरान था कि इसे क्या हुआ, इसका क्या मतलब है? असिस्टेंट कहता है, इसका मतलब है कि वो जेलस है, अब तुम गए काम से। असिस्टेंट कहता है, इन लड़कियों को भगाने में मैं तेरी हेल्प करूं, बट वो हेल्प लेने से मना कर देता है। इतने में वहाँ पे क्याउनिंग आ जाती है और अपना कार्ड फेंक के कहती है, जो भी इसे उठाएगा वो 1 मंथ के लिए फ्री शॉपिंग करेगी। वो लड़की कहती है, सच में 1 मंथ के लिए फ्री शॉपिंग मिलेगी? और उठकर उस कार्ड के लिए लड़ने लगी थी। क्याउनिंग मिस्टर पी की मुंडी पकड़ कहती है, खबरदार अगर किसी लड़की के साथ दिखे तो। वो कहता है, क्या हुआ, जेलस हो रही हो? बट वो उसकी गोद में बैठ जाती है और असिस्टेंट से कहती है, गेट आउट। ही वॉज लाइक,
हर बार मुझे गेट आउट करते हैं और फिर उठ के चला जाता है। मिस्टर पी कहता है, क्या तुम ऐसी बैठी रहोगी? वो कहती है, क्यों, तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? मिस्टर पी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझ में तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं है? और उसे पकड़ के सोफे पे गिरा लेता है। तो ग्यावनिंग भी किस करने के लिए पॉट बना लेती है, जल्दी से करो ना। बट वो कहता है, शादी से पहले नहीं, और दूर हो जाता है। फिर ग्यावनिंग उसे बताती है कि झाओ ने कल मुझे डेट पे बुलाया है, उसने पक्का कुछ ना कुछ प्लान किया होगा। मिस्टर पी कहता है, तो बताओ मैं क्या करूं? वो कहती है, उस झाओ के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उसका कई सालों से मेरी कजन के साथ अफेयर है जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर भी मुझसे शादी करके मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ तुम उनके अफेयर की वीडियो बना लो। मिस्टर पी कहता है, तुम इतना बड़ा प्लान कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें मार देंगे? क्यावनिंग कहती है, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, पर दोबारा अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा ना तो तुम गए काम से। और फिर चली गई थी तो असिस्टेंट अंदर आता है। मिस्टर पी कहता है, आगे से मुझे ऐसी जगह पे लेके मत आना और स्पेशली लड़कियों को मत बुलाना, मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं है। असिस्टेंट वाज लाइक, बॉस तुम बदल गए हो, अपने दोस्त को धोखा दे रहे हो। वो मॉर्निंग में सो रही थी तो झाओ का से फोन आता है कि मैं तुम्हारा डेट के लिए वेट कर रहा हूँ, बट वो फोन काट के सो गई थी। फिर जब वो रेडी होकर जाने लगी थी तो देखती है कजन उसके घर पे बैठी है, तो कहती है, आगे से मेरे घर पे मत घुसाना। वो पूछती है, तुम कहाँ पे इतना सज के जा रही हो? क्या उन्हें कहती है, झाओ ने मुझे डेट के लिए बुलाया है। पर तुम क्यों चढ़ रही हो और तुम खट्टा क्यों नहीं खा रही, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? कजन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्यावनिंग चली गई थी, क्यावनिंग 2 घंटे लेट आई थी बट वो फिर भी गुस्सा नहीं दिखाता और खाना ऑर्डर करने को कहता है। फिर वो उससे बात करता करता पानी में कुछ मिला देता है और कहता है, ये पानी पी लो। क्यावनिंग जैसे पानी पीती है उसे गर्मी लगने लगी थी और उसका सिर चकराने लगा था, वो बेहोश हो जाती है। तो वो उसे होटल रूम में ले आता है। 2 साल से रिलेशनशिप में है हम, पर तूने मुझे खुद को टच भी नहीं करने दिया, अब खुद को कैसे बचाएगी? असिस्टेंट कहता है, बॉस मैंने तो अपना काम कर दिया, देख लो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्यावनिंग और वो झाओ साथ में होंगे। तो जेलस मिस्टर पी गुस्से से होटल रूम में जाता है, पर जैसे वो लोग अंदर आते हैं सब कुछ उल्टा था, यानी वो झाओ बेहोश पड़ा था और क्यावनिंग वहाँ कैमरा सेट कर रही थी। असिस्टेंट पूछता है, तुमने ये सब कैसे कर दिया? वो कहती है, ऑफ कोर्स मैंने पानी के ग्लास बदल दिए थे। असिस्टेंट वाज लाइक, वेरी गुड, बॉस शादी के बाद आपका क्या होगा? मिस्टर पी कहता है, जल्दी से वो मेडिसिन निकालो। क्यावनिंग पूछती है, ये किस लिए? तो बताता है कि ये मेडिसिन के बाद झाओ किसी भी लड़की को दोबारा टच भी नहीं कर पाएगा। क्यावनिंग कहती है, तुम्हारा मतलब इसके बच्चे और ग्रैंडचाइल्ड की पुश्ते ही खत्म? अंकल पी तुम तो सच में बहुत रूथलेस हो। तभी असिस्टेंट क्लैप करके वहाँ 3 लड़कियों को बुलाता है। क्यावनिंग कहती है, अब क्या मुझे ये सब भी देखना पड़ेगा? बट मिस्टर पी उसे खींच के ले जाता है और असिस्टेंट उस झाओ को लड़कियों के पास छोड़ गया था। क्यावनिंग मिस्टर पी के पास बैठी थी और पूछती है, क्या तुम नर्वस हो रहे हो? वो कहता है, नहीं। तो कहती है, फिर तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? और उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी बट उसका हाथ धोर हटाकर पानी पीने लगा था। असिस्टेंट उसे मैसेज करता है, बॉस मैंने आपके पानी में लव पोशन मिला दिया है, नाइट के लिए बेस्ट ऑफ लक। वो कहता है, जल्दी से मुझे एंटीडोट भेजते वरना तू बचेगा नहीं। क्यावनिंग हंस रही थी और कहती है, क्यों ना मैं शादी वाले दिन ही उस झाव को सबके सामने एक्सपोज करूं। तभी मिस्टर पी उसे पकड़ के कहता है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहती हो? वो कहती है, यानी तुम भी मुझे लाइक करने लगे, चलो जल्दी से किस करो। मिस्टर पी उसे किस करने लगा था पर जैसे तैसे खुद को रोक रहा था और अपने थप्पड़ मारता है। वो कहती है, क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है, कुछ भी नहीं, और भागने लगा था। क्या उन्हें कहती है, तुम मुझे ऐसे टाइम पे कैसे छोड़ के जा सकते हो? तुम मर्द हो भी है नहीं? पर वो अंदर से वॉशरूम का गेट लॉक कर लेता है। वो कहती है, गेट खोलो, मुझे तुम्हें चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद मैं पछताऊं। वो कहता है, चुपचाप बाहर खड़ी रहो। क्या उन्हें कहती है, पता नहीं ये किसी की सुनता ही नहीं है। और असिस्टेंट को फोन कर कहती है, जल्दी से आओ, लगता है तुम्हारे बॉस को तुम्हारी जरूरत है। मिस्टर पी पानी से अपना फेस धो के खुद को कंट्रोल में ला रहा था। तभी असिस्टेंट आ जाता है और कहता है, बॉस अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो सबको लगेगा हम दोनों का चक्कर चल रहा है, यहाँ बीएल ड्रामा थोड़ी ना शूट हो रहा है। वो कहता है, बकवास बंद कर, जल्दी से मुझे एंटीडोट दे। तो असिस्टेंट उसे दवाई खिला देता है। क्यावनिंग कहती है, तुम दोनों के प्यार को देख के लग रहा है अंकल पी को तुम्हें मुझसे ज्यादा इस असिस्टेंट की जरूरत है। क्या मैं लड़की हूँ इसलिए? असिस्टेंट को फंदा लग जाता है। मिस्टर पी कहता है, तुम अब अपने घर जाओ। क्यावनिंग कहती है, वैसे भी मैं जा ही रही हूँ। असिस्टेंट कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मिस्टर पी पसंद नहीं है। तो मिस्टर पी उस पर टावल फेंक के क्यावनिंग को पकड़ के ले जाता है। क्यावनिंग गुस्से से कहती है, अंकल पी कड़ूस है। वो कहता है, तुम मुझे अंकल बोल रही हो? वो कहती है, तो क्या कहूँ मिस्टर पी? मिस्टर पी कहता है, अब से मुझे अंकल मत बोलना, मेरा नाम लेना। वो कहती है, ओके अंकल, और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के उसके फोरहेड पे किस करने लगा था। क्यावनिंग हैरान और कहती है, तुमने पहली बार मुझे किस किया है?
मिस्टर भी कहता है क्योंकि मैं बहुत कंसर्वेटिव हूँ, शादी से पहले मैं कुछ नहीं करना चाहता था और ना ही नशे में तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था, तो प्लीज गुस्सा मत हो। वो खुशी कहती है हाँ, मैं भी गुस्सा होंगी और सोचती है ये सच में बहुत अच्छा है। और फिर गुड नाइट को चलने लगी थी तो कहती है बस एक और किस। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, जाके सो, और उसे अंदर भगा देता है। इधर कजन को शक हो रहा था कि क्योनी को कैसे पता कि वो प्रेग्नेंट है, यानी क्योनी को पता है कि उसका और झाओ का चक्कर चल रहा है। क्योनी को आते ही कहती है तुम इतनी लेट घर आई। क्योनी कहती है तू अभी तक यहाँ से गई नहीं। वो कहती है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो क्योनी रिकॉर्डर ऑन कर कहती है हाँ बता। कजन कहती है तुझे मेरे और झाओ के बारे में सब कुछ पता है ना, तब भी तू उससे शादी कर रही है। क्योनी कहती है हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका तेरे साथ चक्कर भी चल रहा हो, उसकी शादी तो मुझसे होगी ना। कजन कहती है पर मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और वो मुझे लव करता है, तुझसे तो बस उसने प्रॉपर्टी के लिए शादी की है ताकि वो तेरी प्रॉपर्टी छीन सके। क्योंनी कहती है तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, झाओ तो मुझे लव करता है ना। पर फिर कहती है पागल कहीं की खुद ही मुझे सबूत दे गई। इधर झाओ की आईज खुलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, और उसे क्योंनी का फोन आता है तो कहता है हम दोनों ने तो साथ में डिनर किया था ना रात। वो कहती है पर सुबह मैं जल्दी घर आ गई, तुम्हें देखकर मैं काफी एम्बेरस हो रही थी ना। वो कहता है फिर तो तुम्हें रात में बहुत मजा आया होगा। क्योंकि वाज लाइक उल्टी, पर कहती है हाँ, तुम तो बहुत बढ़िया हो। वो कहता है तुम रूम का कैमरा भी ले गई। क्योंकि कहती है तो मैं क्या करती, तुम ऐसी वीडियो कैसे बना सकते थे। वो कहता है सॉरी पर मैं हमारा फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना चाहता था। क्योंकि कहती है अच्छा, मैं तुम्हें शादी में गिफ्ट दूंगी ताकि तुम शादी के लिए बाद में मुकर मचाना, और फोन कर देती है। इधर जाओ हैरान था क्योंकि उसे रात का कुछ याद ही नहीं, क्या वो मेडिसिन इतनी स्ट्रांग थी। और वो डायर वालों से कहता है कि मुझे सीसीटीवी चेक करने हैं, पर वो बताते हैं कि कल रात के सीसीटीवी तो खराब थे। इधर हमें पता चलता है कि क्या उन्हीं के कहने पे मिस्टर पी ने ये सब करवाया था। मिस्टर पी जेलस था कि तुम्हारी अब नेक्स्ट वीक उस झाओ से शादी होने वाली है। वो कहती है तुम जेलस मत हो, मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास ही आऊंगी। मिस्टर पी कहता है ओके, बस 7 दिन की बात है, उसके बाद हम साथ में होंगे। वो कहती है हाँ, गुड नाइट। पर फिर फोन कटने के बाद बड़ा खुश हो रही थी, मुझे नहीं पता था ये अंकल इतना क्यूट है, मैंने उसे अपनी पिछली लाइफ में नोटिस क्यों नहीं किया था। नेक्स्ट डे क्योनी वेडिंग ड्रेस के लिए आती है तो मिस्टर पी भी वहां जाता है। वो कहती है तुम यहाँ। तो कहता है क्योंकि वो झाओ यहाँ पे नहीं आएगा ना। तभी झाओ से फोन कर कहता है सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, तो किसी और दिन ले लेंगे। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही वेडिंग ड्रेस ले लूंगी। क्योनी पूछती है तुमने क्या किया। वो कहता है कजन को शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मैं उसके साथ हॉस्पिटल गया है, ये ड्रेस अच्छी लग रही है तुम इसे ट्राई करो। तो क्योनी उस ड्रेस को ट्राई करती है, जब वो ड्रेस पहन के आती है तो मिस्टर भी उसे देखते रह गया था और कहता है सो ब्यूटीफुल, और क्रेडिट कार्ड देने लगा था। तो कहती है रुको रुको अभी मुझे बाकी सारी ड्रेस ट्राई करनी है। मिस्टर भी कहता है ओके मैं तब तक तुम्हारे साथ यही हूँ। सेल्सल कहती है तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, तुम्हें फ्यूचर में हमेशा खुश रखेगा। तो वो खुश होती है। इधर बेचारा असिस्टेंट कहता है बॉस तो खुद डेटिंग कर रहे हैं और मुझे यहाँ भेज दिया। डॉक्टर झाओ और उसके मॉमडेड को बताता है कि तुम्हारे बेटे का डिस्फंक्शन हो गया, इस बीमारी के अकॉर्डिंग वो कभी भी बाप नहीं बन पाएगा। मॉम और डैड हैरान थे। डैड कहते हैं इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर ओके कर देता है, पर जैसे वो जाता है असिस्टेंट उसके ऑफिस में घुस आया था और वो रिपोर्ट चुरा कर ले जाता है। क्योंकि कहती है मैंने 3 वेडिंग ड्रेस ले ली, क्या मैं ज्यादा पैसे वेस्ट करती हूँ। वो कहता है नहीं तो ये सिर्फ 2 मिलियन की हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तभी उसे मैसेज आता है तो बताता है कि ये रही झाओ की रिपोर्ट। क्योंकि रिपोर्ट देखती है तो उसके कान में कहती है यानी वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। मिस्टर पी कहता है तुम्हें टच करेगा तो ऐसे ही होगा। क्योंकि कहती है अंकल पी तुम तो बहुत क्रूअल हो पर मुझे पसंद हो। इधर डैड झाओ को मार रहे थे कि तू उस क्योनी को पटाने गया था और क्या करके आ गया, अगर बाहर किसी को पता चला तो हमारी फैमिली का मजाक बन जाएगा। मॉम कहती है तुम अपने बेटे को क्यों मार रहे हो, ये सारी गलती उस क्योनी की है, जरूर उसने कुछ किया होगा। झाओ कहता है मैं अब उस क्योनी को नहीं छोड़ूंगा। क्योनी वेडिंग ड्रेस देख के बड़ा खुश हो रही थी, तभी उसे झाओ का फोन आता है कि नीचे आओ मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो नीचे आती है तो उसे गुस्से से पकड़ के लाता है कि तुमने उस रात होटल में मेरे साथ क्या किया था। वो कहती है तुम्हें याद नहीं है, हमारा इतना प्रीशियस मोमेंट था। वो कहता है सच सच बताओ, कजन ने मुझे सब बता दिया है, क्या तुमने बदला लेने के लिए सब किया, और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। क्योंकि कहती है हाँ मुझे कजन ने बताया कि वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, और उसने ये भी बताया कि तुमने प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी की, पर मुझे तुम पे पूरा भरोसा है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो कहता है सच में। तो कहती है और नहीं तो क्या, यकीन नहीं हो रहा तो ये सुनो, और उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमे कजन सब कुछ बता रही थी। झाओ सोचता है इस कजन ने मेरा सारा प्लान लीक कर दिया। क्या उन्हें कहती है
मैं तुमसे 2 साल से लव करती हूँ, हमारी शादी हो जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कजन कुछ भी कहे। कहता है सॉरी मैंने तुम पे ब्लेम किया और उसे हक कर लेता है। क्या उन्हें कहती है हाँ मुझे तुम पे भरोसा है, वो कजन झूठ बोल रही थी ना। वो कहता है हाँ हाँ वो झूठ बोल रही थी और उसके क्लोज होने लगा था, तो एकदम से दूर कर कहती है मैं लेट हो रही हूँ और भाग जाती है। पर फिर बाद में ब्रश करती हुई कहती है थू मुझे किस करने वाला था, डिस्गस्टिंग। पर फिर रात में सोते हुए उसे सपना आ रहा था अपनी पास्ट लाइफ का, जिसमें छाव ने उसे जान से मार दिया था और उसके पेरेंट्स को भी। और उठ के कहती है कल हमारी शादी है ना, तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। नेक्स्ट डे वो शादी के लिए वेडिंग गाउन पहन के तैयार बैठी थी, मिस्टर पी फोन कर कहता है तुम नर्वस हो रही हो। वो कहती नहीं इस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार था। मामा कर कहती है तुम सैड लग रही हो, तुमने तो शादी के लिए मना किया था ना, तो क्यों कर रही हो। वो कहती है मॉम डैड चाहे कुछ भी हो जाए आप परेशान मत होना, मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। इधर चाह और उसके मॉम डैड रेडी हो रहे थे, वो कहते हैं इतनी बड़ी क्या फैमिली की क्या उनकी शादी हो रही है, पर कोई न्यूज ही नहीं आई, कोई रिपोर्टर ही नहीं आया, क्या चल रहा है ये। झाओ कहता है कोई बात नहीं बस एक बार शादी हो जाए फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। शादी स्टार्ट होती है, क्याउनिंग वेडिंग गाउन में आती है तो क्याउनिंग ने उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था। ब्राइड और ग्रूम के ब्यूटीफुल मोमेंट स्क्रीन पे देखने लगे थे सब लोग, पर उसमें तो झाओ कजन के साथ रोमांस कर रहा था। कजन कहती है क्या तुम सच में उस क्याउनिंग के साथ शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है शादी तो बस नाम की होगी, उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी मिलते ही हम उसे जान से मार देंगे। जाओ कहता है ये सब झूठ है, क्याउनिंग मेरे विश्वास करो वो कसम झूठ बोल रही है। पर क्याउनिंग उसके जोरदार थपड़ा लगा डालती है, कितना बेशर्म है प्यार का नाटक करके मुझे मारने की स्कीम में बना रहा है। वो कहता है ये सच नहीं है, उस कजन ने मुझे सड्यूस किया था। कजन आकर कहती है झूठ मत बोलो, हम दोनों का अफेयर था, हमारे बच्चे का क्या होगा। बट वो उसे दूर कर क्याउनिंग से कहता है प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्याउनिंग कहती है ओके पहले घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगो। वो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगता है। क्याउनिंग कहती है जितना मर्जी छुप जाओ तुमने जो हरकतें की हैं वो माफी लायक नहीं है, और उससे शादी तोड़ देती है। झाओ की मामा कर कहती है तू जरूर मेरे बेटे को फंसा रही है ना ये सब करके, और उसके थप्पड़ मारने वाली थी, पर क्याउनिंग की मामा कर उसका हाथ पकड़ लेती है तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को हाथ लगाने की, और दोनों लड़ने लगी थी। तभी ग्रैंडपा जाते हैं और ये बुढ़ा उस झाओ को डांटने की बजाय क्याउनिंग को डांट रहा था। क्याउनिंग कहती है तुम मेरे मामले से दूर रहो, पर ग्रैंडपा उसके थप्पड़ मार देते हैं। वो कहती है आपको दिख नहीं रहा इसने शादी से पहले मुझ पे चीट किया है और उस कजन को प्रेग्नेंट कर दिया, तब भी इसकी साइड ले रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं फिर क्या हो गया, लड़कों से गलती हो जाती है, तुम अपने आप को देखो कौन तुमसे शादी करेगा, तुम्हें झाओ से शादी करनी पड़ेगी। क्याउनिंग कहती है क्यों ना इस कजन की झाओ से शादी करा दो ना, ये पहले से प्रेग्नेंट है, दोनों बंदर बंदरिया की जोड़ी अच्छी लगेगी। ग्रैंडपा उसको डंडा मारने वाले थे पर क्याउनिंग के डैड डंडा पकड़ लेते हैं, बस करिए आपको कोई हक नहीं मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद करने का, क्याउनिंग का जिससे मन होगा वो उससे शादी करेगी। ग्रैंडपा कहते हैं अब इस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। तभी मिस्टर पी आकर कहता है मैं करूंगा क्याउनिंग से शादी, मैं क्याउनिंग से लव करता हूँ। झाओ अगर उसके मारने वाला था बट मिस्टर पी उसे धो डालता है। क्याउनिंग कहती है मैं भी मिस्टर पी से शादी करने के लिए रेडी हूँ। झाओ कहता है वो मेरे थर्ड अंकल है, सब लोग तुम पे हंसेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ ये तो इसका अंकल है। मिस्टर पी कहता है मैंने इस झाओ की फैमिली छोड़ दी है तो मैं इसका अंकल नहीं रहा, और ना ही मैं इसके जैसा धोखेबाज हूँ जो पैसों के लिए क्याउनिंग से शादी कर रहा था, और सबसे बड़ी बात मैं क्याउनिंग से लव करता हूँ और पूरी लाइफ उसी से लव करूंगा। ग्रैंडपा कुछ बोलते हैं तभी बताता है कि ये आपकी फैमिली के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट 100 मिलियन युआन 10 लग्जरी कार्स, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्याउनिंग के नाम कर दी है। तो सबकी बोलती बंद, क्याउनिंग के मॉम डैड को पता चल गया था कि वो सच में उसे ट्रू लव करता है इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। मिस्टर पी कहता है चलो शादी कर लेते हैं, मैंने एक वेडिंग हॉल बुक करवाया है। डैड कहते हैं ओके ओके वैसे भी यहाँ पर कितने घटिया लोग हैं, और वो सब लोग जाने लगे थे। तभी वहाँ मिस्टर पी के ग्रैंडपा का सेक्रेटरी आता है जो बताता है कि ग्रैंडपा ने अपनी तरफ से आप दोनों के लिए शादी के बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं। क्याउनिंग कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा तो बहुत अच्छे हैं। और फिर उन दोनों की शादी होने लगी थी, दोनों हाँ कर देते हैं तो सिस्टर कहता है जल्दी से किस करो, सब लोग किसके लिए चिल्लाने लगे थे। तो मिस्टर पी क्याउनिंग को किस करने लगता है। रात में मिस्टर पी उसके मसाज कर रहा था क्योंकि उसके पैरों में दर्द होने लगा था। क्याउनिंग कहती है तुम मसाज बहुत अच्छी कर लेते हो। वो कहता है जब हील से तुम्हारे पैर में दर्द होता है तो मत पहना करो, शूज पहन लिया करो। क्याउनिंग कहती है शादी वाले दिन कौन सी लड़की हील की जगह शूज पहनेगी। वो कहता है ओके ओके तुम्हारी मर्जी। तो क्याउनिंग उसे हक कर लेती है। फिर वो दोनों रोमांस करने लगे थे। मिस्टर पी उसे बेड पे गिरा के किस करने लगता है। वो बिजी थे तभी उसे फोन आ जाता है। मिस्टर पी कहता है जरूरी काम हो तभी बताना वरना वेडिंग नाइट पे मुझे परेशान कर रहा है तू नहीं बचेगा। असिस्टेंट कहता है जरूरी काम है तो वो जाने लगा था। क्याउनिंग कहती है पर वेडिंग नाइट का।
वो कहता है मैं काम निपटा कर जल्दी आ जाऊंगा। वो सो गई थी, मॉर्निंग में उठ के देखती है मिस्टर पी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा है। इनफैक्ट झाओ ने रूमर्स फैलवा दी थी कि और मिस्टर पी का पहले से अफेयर चल रहा था, इसलिए मिस्टर पी रूमर्स हैंडल करने में लगा हुआ था। क्यावनिंग उठ के आके उसे किस करने लग जाती है। देन असिस्टेंट कहता है तुम कपल लोग मिलके मुझे सिंगल को जेलस फील करवा रहे हो। देन मिस्टर पी वाज लाइक ओके तो तू भी जाके शादी कर ले। मिस्टर पी को 2 दिन के लिए एक इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप पे जाना था तो कहता है तुम घर पे अपना अच्छे से ध्यान रखना। वो कहती है ओके। असिस्टेंट कहता है देखा ये कोल्ड और रूथलेस सीईओ कितना नरम दिल बन गया है, सारा गुस्सा बस मुझ पे दिखाता है। फिर मिस्टर पी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था तो क्यावनी कहती है जल्दी आना और उससे फ्लर्ट कर रही थी। वो कहता है ओके ओके मेरे वेट करना, तो उसे किस करके चला जाता है। बट उसके जाते ही क्यावनिंग को छाव का फोन आता है, तेरे मॉमडेड मेरे पास हैं, अगर उन्हें बचाना है तो यहाँ पहुँच। क्यावनिंग अपने मॉमडेड को फोन करती है, उनका फोन नहीं लगता तो वो वहाँ जाती है। छाव के डैड ने उसे खूब मारा था क्योंकि उसकी रिपोर्ट वायरल हो गई थी, इसलिए उनकी कंपनी डूब गई और यूजलेस बोल के उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। क्यावनिंग का फोन नहीं लग रहा था इसलिए मिस्टर पी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्यावनिंग आती है तो छाव ने उसके मॉमडेड को पकड़ रखा था। मॉमडेड कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, बट वो नहीं चाहती। झाओ उसकी गर्दन पकड़कर उसकी गर्दन पे चाकू रख लेता है, पर क्यावनिंग को उससे घंटा भी डर नहीं लग रहा था और उसके मुंह पे चाकू मार देती है। फिर अपने मॉमडेड को बचाने लगी थी पर गुंडे खड़े थे। झाओ गुस्से में आकर उसे मारने वाला था तभी वहाँ पर मिस्टर पिया चाहता है जो कहता है तू जो मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा, क्यावनिंग को छोड़ दे। क्यावनिंग कहती है इसका यकीन मत करो, ये धोखेबाज है, हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, तुम जाओ यहाँ से। असिस्टेंट मिस्टर पी का हाथ पकड़ लेता है कि मैडम सही बोल रही है, ये डेंजरस हो सकता है, बट वो उसकी नहीं सुनता और झाओ के गुंडे मिस्टर पी को मारते हैं। जबकि वो चिल्ला रही थी तुम चले जाओ, गुंडे मिस्टर पी के सिर में डंडा मार देते हैं जिससे वो बेहोश। क्यावनिंग झाओ को धक्का मार के मिस्टर पी को जाकर उठाती है और उसके सर से ब्लड निकल रहा था और कहता है आई लव यू और वो रोने लगी थी। झाओ कहता है ऐसा करता हूँ तुम सबका एक साथ ही काम निपटा देता हूँ और वहाँ आग लगा के भाग गया था। तो असिस्टेंट उन लोगों को बचा के लेके जाने लगता है। क्यावनिंग को होश आता है तो मॉमडैड खुश होते हैं, बट वो उठते ही मिस्टर पी के बारे में पूछने लगी थी। मॉमडैड सही से बता नहीं रहे थे तो कहती है आप लोग मुझसे क्या छिपा रहे हो। तो डैड बताते हैं कि मिस्टर पी वेजिटेटिव स्टेट में है। क्यावनिंग मिस्टर पी का हाथ पकड़ कहती है तुमने मुझे आई लव यू बोल दिया पर मैंने अभी आई लव यू नहीं बोला, तो जल्दी से उठ जाओ। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि झाओ के सारे गुनाह की फाइल ये रही। कहती है उस पर अभी के अभी केस कर दो, जब तक वो जेल में नहीं जाएगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो उसका ध्यान रखते रहते सो गई थी तो मिस्टर पी उठ जाता है। डॉक्टर बताता है कि अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो सब लोग बड़ा खुश होते हैं। और इधर हम देखते हैं झाओ को उम्र कैद की सजा हो गई थी। जब क्यावनिंग और मिस्टर पी घर जाते हैं तो वहाँ पर कसम थी और उससे माफी मांग रही थी कि प्लीज झाओ को जेल से छुड़वा लो, बचपन में झाओ ने तुम्हें बचाया था भूल गई जब तुमने उसे पेंडेंट दिया था। मिस्टर पी उस पेंडेंट को देख लेता है और कहता है ये पेंडेंट झाओ का नहीं मेरा है, यानी मिस्टर पी ने क्यावनिंग को बचपन में बचाया था पर झाओ ने उसका पेंडेंट चुरा लिया था। कजन जबरदस्ती झाओ की चपटने लगी थी तो वो उसको थपड़ा लगा डालती है। तो कजन कहती है मैं जाकर ग्रैंडपा को जान से मार दूंगी और नाम तेरा लगवा दूंगी, और जाने वाली थी क्या उसे रोकती है बट वो टेबल ठुकने से नीचे गिर गई थी। तो वो लोग जल्दी से उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके आते हैं। क्यावनिंग को पास्ट लाइफ का याद आता है जिसमे कजन भी झाओ के साथ मिली हुई थी उसे मारने में, पर डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी फेल हो गई। क्यावनिंग सैड थी तो मिस्टर पी कहता है तुम सैड मत हो, हमने कुछ नहीं किया, वो कजन खुद अपनी मौत के जिम्मेदार है। इतना सब होने के बाद भी ग्रैंडपा अगर उसे सुनाने लगा था तो क्यावनिंग कहती है बहुत हुआ, अब से तुम मेरे ग्रैंडपा नहीं हो। सब गुंडों को एक एक करके सजा मिल गई थी। मॉमडैड खुश थे कि अब उनकी बेटी खुश रहेगी और ये दोनों भी खुश होते हैं। तो इसे हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।